हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड के दो भाइयों के बारे में, यानी ब्लैक होल और व्हाइट होल के बारे में। बात करें अगर ब्लैक होल की, तो जब एक स्टार सुपरनोवा करता है, यानी जब एक स्टार में विस्फोट होता है, तो इस विस्फोट से ब्लैक होल का निर्माण होता है। यह इतना पावरफुल होता है कि इसमें प्रकाश की किरणों को भी अपने अंदर ही समा लेता है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैक होल के पास ही होता है। पहले ब्लैक होल एकमात्र परिकल्पना था, लेकिन इस फोटो के आ जाने के बाद यह हकीकत में बदल गया। पूरी दुनिया ने माना, हाँ ब्लैक होल होता है। वहीं बात करें अगर व्हाइट होल की, तो यह एकमात्र परिकल्पना है अभी। जब तक कि कोई इस पर ठोस सबूत नहीं मिल जाए, ब्लैक होल की तरह यह भी अभी तक परिकल्पना ही माना जा रहा है। अगर बात करें जैसे ब्लैक होल सभी चीजों को अपनी तरफ निगल लेता है, उसी तरह व्हाइट होल सभी चीजों को अपने से दूर फेंकता है, यानी उगलता है। वैसे व्हाइट होल के भी बहुत सी थ्योरी है ब्लैक होल की ही तरह, लेकिन मैं आपको सबसे सटीक थ्योरी के बारे में बताता हूँ। पहली थ्योरी यह है कि ब्लैक होल का कहीं ना कहीं दूसरा हिस्सा भी होगा। अगर एक तरफ से सभी चीजों को निगल रहा है ब्लैक होल इतनी स्पीड से, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चीजों को निकाल भी रहा होगा। तो अब समझिए आप, इसके एक तरफ से निगल रहा है उसे ब्लैक होल। अगर किसी ब्लैक होल का वो हिस्सा हमें दिख जाए जहाँ से ये पीछे की तरफ से उगल रहा हो, यानी जो सामने से निगल रहा है और पीछे से उगल रहा है, इसे ब्लैक, जहाँ से उगल रहा है उसे व्हाइट होल कहेंगे। यानी एक तरफ से ब्लैक होल और दूसरी तरफ से व्हाइट होल। राहुल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। जो दूसरी थ्योरी है कि ब्लैक होल सबसे पहले अपने अंदर आ रही चीजों को अंदर स्टोर करता ही रहता है, और एक ऐसा समय आता है जब ब्लैक होल पूरा फुल हो जाता है, तो सारे कणों की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह बाहर की तरफ फेंकने लगता है, यानी ब्लैक होल व्हाइट होल में बदल जाता है। अगर बात करें ब्लैक होल की, तो यह माना गया है कि इसमें जो कण जाता है वह नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से। जब यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, तो दूसरी तरफ से कैसे निकलेगा? और दूसरा, अगर नष्ट हो जाता है तो इसमें कण इकट्ठा कैसे होगा? इसका मतलब दोनों ही थ्योरी गलत साबित होती है। नहीं, गलत साबित क्यों नहीं होती है? कैसे? अगर बात करें ब्लैक होल में जो भी कण आएगा वह पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो सकता। अगर यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा तो क्वांटम रूल्स को यह फॉलो नहीं करेगा। जैसे किसी लकड़ी, कागज या किसी भी चीज को अगर जला दिया जाए, तो वह जलने के बाद उसकी राख या धुआं, यानी गैस के रूप में बदल जाएगी। मतलब ब्लैक होल में जो भी कण जाएंगे वह किसी न किसी रूप में उसके अंदर ही रहेंगे, राख, गैस या ठोस के रूप में। अगर अंदर ही रहेंगे तो दूसरे तरफ से इनको निकलने के भी चांसेस हैं, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि दूसरी थ्योरी भी सही हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह दोनों थ्योरी व्हाइट होल को लेकर सही हो सकती हैं। तो यह भी ब्लैक होल की तरह एक रहस्य से बना हुआ है अभी। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। बाकी आपको क्या लगता है, व्हाइट होल हो सकता है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।